वो बंदा आज 15 दिनों के लिए कस्टडी में है और उसका कोई गुनाह प्रूव नहीं हुआ है। उसने ये बताया कि आज सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बातचीत नहीं थी, सेट पे माहौल बहुत अच्छा था। और उसके बाद 24 तारीख को मेरी मुलाकात उससे हॉस्पिटल से जब वो निकल रहे थे, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन तक में रही है। हाय, माय नेम इज शान मिश्रा एंड आई एम एन एक्टर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू। हाय शान, वेलकम टू टेलीग्राम। हाय शान, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप शेजान के फ्रेंड हो और आप पहले ऐसे बंदे हो जो यू नो शेजान के लिए होकर बात कर रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आपके बॉन्ड के बारे में, कैसी दोस्ती बनी, आप कितना शेजान को जानते हो, शेजान का नेचर कैसा है, और अगर जस्टिस की बात करें तो कैसे आप यू नो शेजान को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हो। शेजान मेरा दोस्त है और हम एक दूसरे को 2021 से जानते हैं और हम लोग एक चैनल था आज़ाद चैनल और एम एक्स प्लेयर के लिए हम लोग एक सीरियल किया करते थे जिसमें पवित्रा सीरियल नाम था उसके शेजान के सीरियल का, जिसमें वो मेन लीड हीरो था, और लवपंती करके एक सीरियल आता जिसका मैं हीरो था और हमारा प्राइम टाइम हुआ करता था, 8 बजे मेरा सीरियल आता था और 8:30 बजे उसका आता था और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बने। उसके बाद फिर हम लोग जिम बडीज़ भी थे, जिम में हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे और फिर वहाँ से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और आज बाकी आपको पता है क्या सिचुएशन है। यस, तो वही हम जानना चाहते हैं, अगर जस्टिस की बात करें तो आप किस तरह उन्होंने जस्टिस दिलाने की कोशिश करोगे। जितना मैं शेजान को जानता हूँ, शेजान ऐसा बंदा नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत ही काइंड हार्टेड हम्बल बंदा है और वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत तहजीब से बात करता है आपका, आप जब उससे मिलोगे तो आपको बहुत ही आदर सत्कार देगा वो, और वो कभी किसी को प्रोवोक नहीं कर सकता, वो खुद इतना शांत बंदा है कि वो कभी किसी से तेज़ आवाज़ में बात नहीं करता है, तो हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर की है, और लड़की पे हाथ उठाना जैसे उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बहुत गलत है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, तो वो ऐसा कर नहीं सकता। तो बस वही है, मैं चाहता हूँ चीज़ें सही चीज़ें सामने आए और उस पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो गलत इल्ज़ाम है उसको करेक्ट किया जाए और उसको प्लीज़ क्लीन इमेज जो जिसकी जो थी पहले उसको वैसी रखी जाए, उसको ख़राब नहीं की जाए, उसकी छवि को ख़राब ना किया जाए। ओके, तो शाह सबसे पहले तो हम वही दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, 24th, जो कभी कोई भूल नहीं सकता। आपसे जानना चाहेंगे लास्ट टाइम आप उनसे कब मिले थे, क्या 24th को आपकी उनसे बात हुई थी तनीषा और शेजान के दोनों के रिलेशनशिप के लेकर, या उनके रिलेशनशिप के बारे में आपको जानकारी थी कुछ भी, शेजान ने कभी डिस्क्लोज किया था आपको? 23 तारीख की रात को हम लोग साथ में जिम पे थे और उसके बाद 24 तारीख को मेरी मुलाकात उससे हॉस्पिटल से जब वो निकल रहे थे, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन तक में रही है। और तुनिशा को लेकर के, उसके रिलेशन को लेकर के कभी कोई ऐसी बात नहीं रही उसकी, मगर हम लोगों ने ही उसको हमेशा कहा था कि तुम लोग स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत कमाल लगते हो, तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है और शो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, TRP बहुत अच्छी आ रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बस यही सब बातें थी। और हम लोगों ने 23 की रात को भी यही बात करी थी कि जनवरी में हम एक साथ में शूट करने वाले थे 23, 24, 25 को आउटडोर जाके, तो उसके बारे में हमारी बातें चल रही थी, न्यू ईयर के प्लान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसके सिवा और हमारी कोई बात नहीं हुई उस दिन। और 24 तारीख को जो ये हादसा हुआ है, उस रात भी पुलिस स्टेशन में हम लोगों, मैंने जब उससे पूछा तो उसने ये बताया कि आज सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बातचीत नहीं थी, सेट पे माहौल बहुत अच्छा था, तुनिशा इनफैक्ट हंसी मजाक भी हम लोग कर रहे थे, तुनिशा ने अपने फ़ोन में वीडियोज़ बनाई हैं, रील्स बनाई हैं जो स्टोरी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली थी, तो ये बातें रही हैं, सच कोई भी कुछ मतलब नेगेटिव थॉट या कुछ भी ऐसी नेगेटिव कोई भी बात नहीं थी उस दिन की। ओके, जिस तरह यू नो उनके ऊपर बैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगाया गया है, एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या आपको लगता है ये सब लगाने से ये प्रूफ हो जाएगा कि वो खुद ही उन्होंने यू नो उन्हें इंस्टिगेट किया है इसके लिए, सुसाइड के लिए? मैंने आपको कहा शेजान ऐसा बंदा ही नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा नहीं है, तो कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं कर सकता, इंस्टिगेट नहीं कर सकता है, इनफैक्ट वो बात भी ऐसे नहीं करता है, वो मस्ती मजाक में भी किसी के साथ हार्श नहीं होता है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन लगाना उसके लिए मतलब उसके खिलाफ़ बहुत गलत है,
क्योंकि अगर इंसान कोई अच्छा है तो उसका नाजायज फ़ायदा आप मत उठाओ उतना, और उसके इसमें ज़िंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है, उसके परिवार का सवाल है, कितनी तकलीफ़ में है सब, वो खुद इतने तकलीफ़ में है। जिस बंदे ने कभी जेल की शक्ल ना देखी हो, कभी किसी फ़ाइट में ना पड़ा हो, किसी कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ा हो, वो बंदा आज 15 दिनों के लिए कस्टडी में है और उसका कोई गुनाह प्रूव नहीं हुआ है। जिस मतलब जब तक प्रूव नहीं होता तो वो गिल्टी कैसे हुआ? और आप उन्हें उस पर ठप्पा लगाए जा रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो कि नहीं उसी की वजह से हुआ, ऐसा क्या क्यों? तो ऐसा ना करें लोग, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या अब तक के उनकी फैमिली से बात हुई है शहजान की हेल्थ को लेकर के, अब वो किस तरह है क्या? क्योंकि आपको तो खैर मिलने का मौका ना मिले या मिले आई डोंट नो, बट उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं मौका मिल रहा होगा उनसे मिलने का, तो उन्होंने कुछ बताया कि उनकी सिचुएशन अभी कैसी है, वो किस तरह से है? बिल्कुल, मैं फैमिली के रेगुलर टच में हूँ, और शेजान से मुलाकात लॉयर ने की थी, लॉयर सर ने की थी, और उन्होंने बताया जितना उनका ऑब्जर्वेशन रहा है कि शेजान की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। और ऑफ़ कोर्स किसी की भी नहीं होगी कि जिस इंसान ने कभी शक्ल नहीं देखी जेल की और वो जेल में है और उसको ऐसे ट्रोल किया जा रहा हो, उसको नंगे पाँव घसीटा जा रहा हो सड़कों पर मीडिया के सामने और सब कुछ, तो इन चीज़ों से ऐसे वो गुज़र रहा है तो उसका माइंडसेट क्या रहा होगा, क्या है और वो क्या सोच रहा होगा? तो उसके लिए परमिशन ली गई है, डॉक्टर के लिए अपील की गई है और बोला गया है, तो वो ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा, मगर जो है वो ऊपर वाला ऐसा ना करे कि कभी कोई ऐसा कदम उठाए जिसके लिए हम सब बहुत पछताएं बाद में। जी, शहजान की मम्मी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब उन्होंने ये बात भी कही थी, तो निशा की मम्मी से ये वो बताना चाह रहे थे कि एक की तो जान चली गई है, क्या वो हमारे बच्चे की भी जान लेकर ही छोड़ेंगे? तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या आंटी ने आपको कोई चीज़ का ऐसा जिक्र किया कि शहजान कोई ऐसी चीज़ जेल में अगर कर रहे हैं, या वो कोई ऐसे थाट सेकेंडरी थाट कुछ ला रहा है दिमाग में? क्योंकि वो पहले भी उन्होंने ये भी कहा है कि वो बचपन में एक बार डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं शहजान, तो क्या आंटी की ऐसी कुछ बात हुई आपसे इस चीज़ को लेकर? फैमिली से मैं टच में हूँ रेगुलरली, जैसा मैंने आपको बताया, बट मैंने वही कहा ना कि जिस बंदे ने कुछ ऐसा किया ना हो, उस पर ऐसे आप इल्ज़ाम लगा दो और थोप दो और आप उसको ऐसे ट्रोल करोगे, तो वो अपना सुध-बुध खो बैठता है इंसान, और उस चीज़ के सदमे में या उस चीज़ को की वजह से इंस्टिगेट होकर वो इंसान कोई भी कदम उठा सकता है। ऑफकोर्स उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा अभी, और तो अगर वो कल के दिन ऐसा कदम उठा लेता है कुछ भी ऐसा और डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको बाहर लाना उस जगह से और उस सिचुएशन से सही ना हो और मतलब आसान ना हो, तो इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? मैंने जैसा आपको कहा कि कोई इंसान चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, मगर जो है हम उसके लिए कोई मतलब स्टैंड ना ले और उसको हम हेल्प ना करें और बाद में फिर हम पछताएं, तो ये गलत होगा हमारे लिए, हम सब के लिए। आपको क्या लगता है टनीशा की मम्मी जब से टनीशा ने सुसाइड किया है, जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या हो या उनके मावन जब पवन हैं उन्होंने काफ़ी मरतबा मीडिया में आकर बोली ये चीज़ें, आपको क्या लगता है वो इतना क्यों अपनी तरफ से सफाई दे रही है और सिर्फ शहजान पर ही क्यों एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? क्या आप टनीशा से कभी मिले थे, कभी आपने बात की टनीशा से, कैसे लगता था उनका हाव भाव, आपको कैसे लगता था? नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई टनीशा से, मैंने उनको स्क्रीन पे देखा है और वो स्क्रीन पे बहुत अच्छे, मैं भी वन ऑफ अ फैन बॉय रहा हूँ उनका, और जैसा मैंने शहजान को कहा था कि यार तुम लोग कमाल करते हो यार, बहुत अच्छा है सीरियल। और टनीशा की मम्मी ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, किस लिए लगा रही है, उसमें उनका क्या बेनिफिट है, ये सब तो मुझे नहीं पता, और बट मेरे को लगता है कि अगर टनीशा की मम्मी ने थोड़ा सा पहले स्टैंड लिया होता, अगर टनीशा इतने प्रॉब्लम से गुजर रही थी तो वो उनकी बच्ची थी, उनको उससे बात करनी चाहिए थी। जैसा आज टनीशा की मम्मी कह रही हैं कि शहजान ने उसको थप्पड़ मारा, जिसमें शहजान ऐसा है नहीं, और अगर थप्पड़ मारा तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी, आपने प्रोडक्शन को कंप्लेन क्यों नहीं की, आपने डायरेक्टर को कंप्लेन क्यों नहीं करी, आपने सेट पे मतलब फिर टनीशा के टनीशा को उसके साथ काम क्यों करने दिया?
आप एक्शन ले सकती थी, आप शिजान की फैमिली से कंप्लेन कर सकती थी, शिजान की मम्मी से कह सकती थी, तो आपने ये चीज़ें क्यों नहीं करी? और अब वो चली गई है, उसके बाद आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले सकता, तो निशा वहाँ है नहीं ये चीज़ें बताने के लिए कि क्या वो सच में उसने मारा था या नहीं मारा था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे बाकी के आस उसके अड़ोस पड़ोस के क्लोज़ मेंबर्स और जो दोस्त यार हैं वो लोग जानते हैं, शिजान ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो हाथ चलाए किसी पर, और लड़की पे तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो तनिषा ने एक और एक बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि 23rd या 24th के दिन उन्होंने एक फांसी का फंदा जैसा कुछ तो उनके को एक्टर को बताया, तो जो पार्ट है उन्हें बताया था ये बात। क्या आपसे कभी शेजान ने ऐसा जिक्र किया कि ये लड़की डिस्टर्ब है और वो ऐसी ऐसी यू नो डिप्रेशन के शिकार है और वो ऐसी करने की कोशिश कर रही है? आपसे कभी ऐसी चीज़ों की जिक्र किया उन्होंने? क्योंकि तनिषा की मम्मी का ये स्टेटमेंट अग्री वो नहीं कर रही कि वो उन्होंने पहले कभी सुसाइड करने की कोशिश की है। अगर सुसाइड करने की कोशिश नहीं की तो फिर जैसा सेट के लोगों ने बताया है कि वो एक दिन पहले, दैट मीन्स 23rd को तनिषा की मम्मी सेट पे गई थी, उनको बुलाया गया था, तो क्यों बुलाया गया था? और बुलाया शिजान के द्वारा ही गया था कि वो ऐसा ऐसा है। उसके बाद उन्होंने समझा बुझा के तनिषा को अपने साथ घर लेके गई हैं, तो उसने शायद ऐसा कुछ अटैम्प्ट किया था उसने, और करने की कोशिश की थी जो पार्थ को बताई गई थी वह बात, और फिर शिजान को पता चली तो उसकी मम्मी को सेट पे बुलाया गया था। ऐसी बातें सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें सही होंगी और प्रूफ के साथ बताई गई हैं, तो इसीलिए ये बातें सामने आ रही हैं। शिजान ने यू नो जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था, शिजान ने उन्हें उतार कर हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी मम्मी को ये चीज़ से भी दिक्कत है तनिषा की मम्मी को कि उसने ही क्यों ये किया और एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाया? क्या लगता है आपको ये चीज़ शिजान को नहीं करना चाहिए था या उसे पुलिस के यू नो हवाले छोड़ देना चाहिए था कि वो पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, खुद ही उतारेगी, खुद ही लेके जाएगी, डू यू थिंक, ताकि वो ये ब्लेम नहीं आता कि वो मर्डरर है या नहीं है, क्योंकि अभी वो मर्डर का भी यू नो एंगल दे रही है उनकी मम्मी? आप ये बात बताइए, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मेरे सामने किसी की तबीयत भी ख़राब होगी ना, तो मैं उसके लिए दौड़ूंगा। ये इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो वहाँ पे अगर उसने फंदा लगाया, क्या पता उसमें एक उम्मीद बची हो कि उसकी सांस चल रही हो, लेकिन इंसान क्यों नहीं भागेगा? सड़क चलते अगर कुत्ते को चोट लग जाती है, हम उसके लिए रुक जाते हैं, वो तो इंसान है। सबसे पहली बात, वो उसकी को एक्टर है, उसके साथ वो सीरियल करती है, दिन के 13 से 15 घंटे बिताते हैं वो लोग साथ में, एक दूसरे की केयर है, फैमिली में इतना आना जाना है, इंट्रैक्शंस हैं उससे, और वो उससे छोटी है, उसको अलग से पैम्परिंग मिलती थी, केयरिंग मिलती थी, सब करते थे उसके साथ ऐसा। फलक के साथ उसका कितना अच्छा बॉन्ड था, शिजान के छोटे भाई के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था, शिजान की मम्मी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड था, शिजान के खुद के साथ इतना अच्छा बॉन्ड था, तो क्यों नहीं इंसान लेके भागेगा उसको? एम्बुलेंस का वेट करोगे आप? अगर मेरे हाथ में चोट लगी है और मेरे हाथ से अगर खून बह रहा है, तो मैं फर्स्ट एड किट के लिए दौड़ूंगा या मैं अपना खून बंद करने की कोशिश करूंगा? मैं ये वेट नहीं करूंगा कि डॉक्टर आएगा तो ही खून बंद होगा मेरा, ये तो कॉमन सेंस है। वो वेट क्यों करता? और उसने इतना भी वेट नहीं किया कि वो अपने कॉस्ट्यूम चेंज करके भागे, आंखों से वो उसका मेकअप है पूरा वो भी नहीं हटा के गया है, वो उसी लुक में भागा है, क्योंकि बस वो ये चाहता था कि वो किसी तरह बच जाए या उसकी उसको कुछ ना हो। वो हॉस्पिटल में भी पूरे टाइम यही चिल्ला रहा था, रो रहा था, दहाड़े मार रहा था कि तनिषा को कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब प्लीज़ उसको किसी भी तरह बचा लो। और मर्डर का एंगल आप कैसे दे सकते हो? तनिषा सेट से खुद उठ के गई है वहाँ तक, शिजान उस वक्त सेट पे था, शॉट दे रहा था, तो उसने कैसे जाके मर्डर कर दिया? ही इज़ नॉट प्लेइंग अ डबल रोल। तो आप उस पे ऐसे इल्ज़ामात कैसे लगा रहे हो जिसका कोई सर पर नहीं है? यस, यू नो इनफैक्ट उन्होंने हिजाब की बात की है, उन्होंने दरगाह पे लेके जाने की बात की है, हमने उनसे ये क्वेश्चन करने की कोशिश की पर उन्हें ये नहीं पता वो कौन सी दरगाह पर लेके जाते थे, वो उन्हें ज़रा भी क्लैरिफिकेशन नहीं। और थप्पड़ की बात जो है, उस वक्त तो वो सेट पर मौजूद थी, फिर कैसे उन्हें पता चला कि थप्पड़ मारा भी गया है या यू नो तनिषा ने बताया? ये तो ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हरेस करती थी कॉल कर करके, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलक लोगों फलक से और शफक से सुना है, तो वही हम भी बता रहे हैं।
तो यही सब बातें ये ना गोल गोल है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हिजाब की बात हो, टैटू की बात हो, या दरगाह लेके जाने की बात हो? हिजाब की बात तो आप लोगों को सबको सामने आई गई है कि वो एपिसोड में एक सीन था, उसकी फ़ोटो है, तो ये झूठ हो ही जाती है, पता चल गया है कि सामने कि अफवाह है। और टैटू की बात के बारे में भी सामने आ गया है, उन लोगों ने बता दिया है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ है। थप्पड़ की बात जहाँ तक आप करते हैं, आज के टाइम पे अगर मुझे कोई थप्पड़ मारता है या किसी एक छोटे से बच्चे को भी एक थप्पड़ मारता है ना, तो वो इंसान उस सामने वाले के साथ अच्छे टर्म्स में कभी भी नहीं रहता है। अगर तुनिशा को थप्पड़ शेजान ने मारा, उसके बावजूद तुनिशा कैसे उसके साथ जाके शूट कर रही है? नहीं करती। वो भी एक एक्टर है, वो भी उसी लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे शेजान काम कर रहा है। कोई इंसान थप्पड़ खाने के बाद वापस थोड़ी ना जाता है यार। आप एक जानवर को भी एक बार हल्का सा धुतकार देते हो तो वो आपके पास वापस लौट के नहीं आता है, तो कैसे वो जा रही है उसके साथ काम करने के लिए? और ये बात तुनिशा की मम्मी बता रही हैं, तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बताई जब उसको थप्पड़ मारा गया? और आपने उस वक्त शिकायत क्यों नहीं करी? आपने अपनी बेटी को वापस सेट पे क्यों भेजा काम करने के लिए, जब आपको पता था कि आज मान लो अगर वो इंसान ऐसा है कि वो थप्पड़ मार रहा है, कल के दिन वो कुछ भी मार सकता है, तो आपने उस खतरे को महसूस नहीं किया? महसूस किया तो आपने फिर अपनी बेटी क्यों भेजी? और नहीं किया तो इसका मतलब वो बात नहीं थी ना। तो सारी बातें यही है कि धीरे धीरे सामने आएंगी और सबके सामने सच आ जाएगा। शेजान आज अंदर है, कल बाहर आएगा, वो अपना जब चीज़ें सामने रखेगा तो सबको पता चल जाएगा। इनफैक्ट ये भी एक्यूजेशन है, यू नो, कि उनका भी रिसेंटली बर्थडे था वाइल शूटिंग अभी बाबा में, तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं और वो चीज़ शेजान की फैमिली वाले भी एक्सेप्ट करते थे। इसके ऊपर आपको क्या देखें, क्या आपको लगता है कि शेजान को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया हो और शेजान आपको कभी ना बताया हो ये चीज़? देखिए, एक्सपेंसिव गिफ्ट का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि किसी इंसान ने लालच में आपसे मांगा है, ये आपकी दरिया दिली है कि आपने उसको वो गिफ्ट दिया है। अगर आप मेरे दोस्त हो, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप कोशिश करोगे कि वो गिफ्ट आप मुझे करो, बट मैंने आपसे वो चीज़ मांगी नहीं है, वो आपने अपनी श्रद्धा से मुझे दिया है। और ऐसा तो है नहीं कि शेजान काम नहीं कर रहा था या पैसे नहीं कमा रहा था कि उसने उसको फोर्स किया कि प्लीज़ तुम मुझे ये गिफ्ट दो क्योंकि तुम कमा रही हो। शेजान भी उसी लेवल पे कमा रहा है और अच्छा ही कमा रहा है, और वो रेगुलरली काम करता है इंडस्ट्री में। कोई ऐसा तो है नहीं कि उस पर पैसों की कमी रही हो या उसने किसी से उधार ले रखा हो और वो अपना जीवन व्यापन उस तरीके से कर रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो गिफ्ट दिए हैं तो आपने अपनी श्रद्धा से दिए हैं, आप उसने आपसे कभी मांगा नहीं है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ ला के दो या नहीं तुम्हें मुझे ये चीज़ देनी ही पड़ेगी। वो आपका प्यार है, वो आपका बड़प्पन है, वो आप उसके लिए एक गेस्चर है आपका। तो आप इन चीज़ों को गलत तरीके से मत पुट करो ना। कल भी हमारी ये ना तुनिशा की फैमिली से बात हुई थी, जो संजीव है, संजीव कौशल जी, जो इनके स्टेप फादर के नाम से जाने जा रहे हैं फिलहाल के लिए, बट वो चीज़ वो इग्नोर कर रहे हैं या वो डिनाई कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बट इसके अलावा ये भी जाना जा रहा है कि वो यहाँ से सब कुछ पैकअप करके चले गए हैं। डॉगी की बात जो है, उनका पपी इनके घर में था, वो भी यहाँ से चंडीगढ़ लेके जाया गया है। जब उनकी मम्मी अगर डरती है, ये डॉगी वाली बात भी बहुत पतंगड़ बनाई गई है इस चीज़ को लेकर, पपी को लेकर, कि फलक और शफक ने ही उन्हें दिलाया है, उन्हें फोर्स उन्होंने फोर्स किया था, जबकि उनकी मम्मी डरती थी डॉगी से, तो वो पपी को भी चंडीगढ़ लेके जाया गया है। इसके बारे में क्या करो, क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ पर उन्होंने पूरा पैकअप कर दिया है घर का? देखिए, अगर वो ऐसा कोई भी इंसान ऐसा कहता है कि मैं इस जगह से दूर जाना चाहता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ें याद ना आए, वो आपका बच्चा है और मरते दम तक वो यादें आपके साथ रहेंगी, वो यादें आपसे जुदा नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो आपका एक पार्ट है। भले आज वो इस दुनिया में नहीं हो, मगर वो यादें आपको हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप यहाँ रहें, चाहे विलायत रहें, कहीं भी रहें, वो यादें आपसे दूर नहीं होंगी। मगर आपने जो एक स्टैंड लिया था, आपने जस्टिस फॉर तुनिशा जो कैंपेन चलाया था, वो अब कैंपेन को आपको लीड करना था एज अ मदर। आप नहीं हैं यहाँ पे, क्यों आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? आपको रहना चाहिए ना,
आपको बातें रखनी चाहिए अपने सामने, अगर आप सही हैं तो आपको अपने सारे तथ्य रखने चाहिए सामने, आपको उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। यहाँ पे आप रहोगे या कहीं भी रहोगे, यादें तो आपके साथ हमेशा रहेंगी, तुनिशा नाम आपके नाम से हमेशा जुड़ा रहेगा, मगर आप यहाँ क्यों नहीं है? क्लास में जाते जाते यही जानना चाहेंगे, प्रोडक्शन हो या सेट पर जितने भी लोग, काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, पर अभी तक का शहजान के लिए, जस्टिस के लिए को एक्टर्स या प्रोडक्शन में से कोई भी सामने नहीं आ रहा है, क्या आपकी उनसे किसी से भी ऐसी बातचीत हुई है जो आना चाहता है बट किसी वजह से नहीं आ रहे हैं वो सामने फॉर जस्टिस? मे भी हो सकते हैं प्रोडक्शन के लोग बिजी हों अपने काम में, क्योंकि एक शो अभी चलता फिरता शो रुका है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको चुकानी होती हैं, पूरी करनी होती हैं, इसलिए नहीं आ रहा है। और बाकी के लोग वेट कर रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सामने आएँ, उस पर जाँच पड़ताल चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी आपके और सच सामने आएगा। तो जो फेक स्टोरी चल रही हैं, जो मिसलीड करा जा रहा है इस केस को, सब क्लियर हो जाएगा, हम सब इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। वन मोर, उनके हेल्थ को लेकर जो होममेड फूड दिया जा रहा है उससे भी उनकी फैमिली को दिक्कत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहजान की हेल्थ को लेकर हमने जब लॉयर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि शहजान की हेल्थ को देख नज़रअंदाज ना करते हुए उनको घर का खाना दिया जा रहा है, तो हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि उनको ऐसा क्या है जिस वजह से उनको होममेड फूड देना ज़रूरी है? हर किसी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसकी भी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई थी, तो शायद उसके लिए परमिशन ग्रांट हुई है। और मेरे को लगता है कि उन चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन चीज़ों पे हम लोगों को मतलब इस तरीके से नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि होता है इंसान कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो इन चीज़ों की वजह से उसको घर के खाने के लिए परमिशन ग्रांट की गई है। वो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके कुछ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मतलब लॉयर ने और शहजान के पक्ष ने वो चीज़ों के लिए परमिशन मांगी थी। मैं शहजान के फैंस और व्यूअर्स को यही बोलूँगा, हिम्मत रखिए और स्ट्रांग रहिए, शहजान वापस कम बैक करेगा पर्दे पे और बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करेगा, और आप सब उसका जलवा फिर से देखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह है और उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, हम सब उसके लिए प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और आप लोग भी कीजिए। थैंक यू।